हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यार सब लोग बढ़िया होंगे। एंड भाई पता है, मेरे को पता है कि भाई दो चार दिन हो गए हम लोग ने कोई वीडियो नहीं डाली। कितने दिन हो गए? दो चार दिन आई थिंक हो ही गए हैं ना। तो भाई उतने दिन से हम लोग ने एक भी वीडियो नहीं डाली। और भाई क्या बोलूँ यार, क्यों नहीं डाली, मतलब क्या बोलूँ तुम लोग को। भाई ऐसा लग रहा है कि भाई बारिश ने जियो का सिम कार्ड खरीद लिया। अनलिमिटेड भाई अनलिमिटेड बारिश होते जा रही है। और भाई उसका तो तुम्हें पता ही है, लाइट वगैरह जाती रहती है। तो भाई दो चार दिन से बहुत ज़्यादा सीन हो रहा है। और भाई फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है उस वजह से। और पावर बैंक्स एक्चुअली होते हैं मेरे पास, बट वो भी थोड़े डिस्चार्ज हो ही जाते हैं। और भाई सब यूज़ करते हैं तो फिर वो सीन हो जाता है। और भाई अब इस जर्नी में सिर्फ मैं और हैरी नहीं खेलने वाले, तो इस जर्नी में भाई मिल लो इनसे। ये हमारे एक्रो वाइपर भाई। तो अब जो है हमारी इस जर्नी के अंदर जो है वाइपर भाई हमारे साथ खेलने वाले इस जर्नी के अंदर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैरी और वाइपर के दोनों के चैनल के लिंक्स है, जल्दी से जाके चेकआउट करो दोनों के चैनल्स को। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और भाई वहाँ पर जाके अपना अच्छा खासा प्यारा सा यार सपोर्ट दिखा दो। एंड हाँ, जिन लोग ने अब तक भाई डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया, यार जाओ यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पे बहुत जल्दी यार हमारे 500 मेंबर्स कंप्लीट होने वाले। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। प्लीज़ जाओ यार, ज्वाइन करो और फटाफट से यार हेल्प करो हम लोग की 500 जो मेंबर्स है कंप्लीट हो। एंड आज के एपिसोड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो भाई अभी वाइपर भाई साथ में तो यार कुछ अलग तो इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा। तो आज हम लोग जो है टेम करेंगे पेट्रोडॉन्स को, क्योंकि देखो यार उड़ने वाला डायनो एक बार मिल गया ना तो काफ़ी इजी रहता है। तो इस वजह से हम लोग उसी को अभी फिलहाल टेम करेंगे। एंड पिछले एपिसोड के अंदर हम लोग ने जो है टेम किया था सार्को एंड पैरासोर को, तो भाई उसमें से सार्को तो मर चुका है और एक का डबल वाला सीन हो गया भाई। सार्को के साथ साथ जो है डबल में पैरासोर भी पीत गया। तो यहाँ पर मैं पैरासोर नहीं बोल रहा, पैरासोर जो है वो बोल रहा हूँ। तो पैरासोर भी यहाँ पर मार दिया गया। और अब तुम लोग सोच रहे होंगे मारा किसने, तो भाई मार कौन सकता है यार, टेरिजिनोसॉर और है ही कौन भाई मारने के लिए। तो भाई यहाँ पे हमारा जो 23 लेवल का सार्को और भाई हमारा जो पानी, जिसको मैं पैरासोर को पानी बुलाता था, जिसको मैंने नेम दिया था 25 लेवल का था, तो भाई दोनों के दोनों जो है टेरिजिनोसॉर ने भाई आके भाई मार के चला गया। तो भाई अभी मेरे को नहीं पता टेरिजिनोसॉर का करूँ क्या, लेकिन अभी मैं पेट्रोडॉन टेम करने जा रहा हूँ। आने के बाद हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे पूरी जगह सोलो में जैसे कि मैंने वॉल्स लगा दी वैसे अभी हम लगाएंगे, ताकि टेरिजिनोसॉर एटलीस्ट मार ना सके। बिकॉज भाई टेरिजिनोसॉर यार कभी भी आता है मार के चला जाता है। तो भाई इसी वजह से जो है मेरे को अभी सारी चीज़ें चेंज करनी है। तो भाई तुम लोग सिर्फ एपिसोड देखते जाओ यार, बहुत जल्दी हम लोग सारी चीज़ें चेंज करेंगे। अभी तो हम लोग के साथ वाइपर भाई भी है, वो देखो चले गए। तो वाइपर हैरी कहाँ गया, ये अलग ही लॉन्ड है पता नहीं। हाँ ये देखो भाई, ये अलग ही भाग रहा है। ओके तो अभी हम लोग तीनों हैं, तो भाई सब चीज़ें फटाफट करेंगे चेंज, सबर करो थोड़ा। एंड हाँ, अगर तुम लोग को मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा सा अजीब साउंड आ रहा है बारिश वगैरह का, तो भाई मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें भी एक्चुअली बारिश हो रही, गेम के अंदर रियल लाइफ में भी हो रही। तो इस वजह से अगर थोड़ा सा आ रहा हो तो मेरे को बता देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस थोड़ा सा तुम लोग को लगे, ठीक है। तो अभी हम लोग को भाई पेट्रोडॉन ढूंढना है, बट यहाँ पे लग नहीं रहा ठीक है पेट्रोडॉन है। ये देखो ये भाई यहाँ पे घूम रहा है। चलो इसको टेम कर लेता हूँ मैं, वैसे मेरे पास पोला वगैरह नहीं एक्रो के पास है, बट मेरा हो तो जाएगा। ओए रुक भाग मत। ओके चलो मेरा तो हो गया, मेरे को पता था हो जाएगा, बिकॉज मैंने इससे पहले भी किया है। इनका यार एक दो हेडशॉट दिया तो ये हो ही जाते ऑलमोस्ट। इसका कितना अच्छा 10 लेवल 84 ही हेल्थ बची यार मेरे को। टीमिंग इफेक्टिवनेस वगैरह बहुत कम मिलेगा यार मेरे को। शिट कोई नहीं, मैंने अब तक मीट भी नहीं लाया भाई। देखो भाई मतलब यार मैं टीमिंग के लिए आता हूँ तो मैं करता क्या हूँ यार। पिछले बार भी यही सीन हुआ था यार, मैं नार्कोटिक वगैरह लेके आना भी भूल जाता हूँ, पता नहीं यार मेरे साथ तो ये होते ही रहता है। यदि मैं बाबे भाग का रहा है भाई, एक तो यार दो चार दिन से प्रैक्टिस नहीं हुई। साले रुक, ये देखो यार ये पिंग इशू, आई थिंक ये मेरे साथ कोई तो पिंग इशू है, तो थोड़ा सा मैं फ्लक्चुएट हो रहा हूँ पता नहीं क्यों। एनीवे हैरी वगैरह ये तो ढूंढ रहे। एक्चुअली हम लोग ने प्लान किया था कि वाइपर सबके ऊपर बोला मारेगा और हम लोग टेम करेंगे, बट मेरे को दिख गया तो मेरे को भरोसा था कि मैं कर लूँगा टेम, तो इस वजह से भाई मैंने तो मार दिया। अभी ये दोनों अपना देख रहे, ऐसा नहीं कि मैं उनकी मदद नहीं करूँगा। एक सेकेंड मेरे को इसको फूड देने दो, फिर वहाँ पे जाके उनकी भी थोड़ी हेल्प कर देते। ओके 9% एक साथ हो गया, चलो काफ़ी सही है। अभी ये दोनों कहाँ पे रहेंगे पता नहीं, ये दो विनोद कहाँ पे रहेंगे, इनको ढूंढना पड़ेगा। और इसको होने देते भाई, अभी इसका 10 लेवल है, अभी ये जल्दी हो जाएगा आई थिंक। तो तब तक भाई अभी देखना पड़ेगा ये दोनों कहाँ पे गएंगे, अभी ढूंढना पड़ेगा मेरे को। ओके वो देखो वहाँ पे भी एक है वैसे, ये हैरी के लिए पकड़ सकते हैं, बट मेरे पास ये नहीं स्पाई ग्लास, वो भी मेरे को बनाना पड़ेगा। एनीवे अभी जो हैरी वगैरह को ढूंढ लेता हूँ, उनकी भी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, मेरा तो हो रहा है। अभी इन दोनों को देखता हूँ कहाँ पे। यार मतलब वाइपर का तो फर्स्ट डे इस सर्वर के अंदर, और भाई वाइपर ने स्वाद दिला दिया यार। मतलब सीन कैसा था कि अभी जो अपना सार्को तो मर चुका है, तो वाइपर के आस्ते 3-4 आए और वाइपर को दिख गया था सार्को। तो वाइपर ने बोला कि मैं टेम को, हम लोग बोला कर लो भाई,
लेकिन भाई फिर क्या चार पांच ही एरो थे तो वो माने क्या भाई एरोस खत्म हो चुके थे, हम लोग यार ज्यादा एरोस नहीं, मेरे पास भी अभी चार पड़े। तो वाइपर ने लिटरली इसको पंच से टेम किया और मेरे को काफ़ी सही चीज़ लगी, बिकॉज सार्को को मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी पंच से टेम नहीं किया। और भाई सार्को का लेवल देख लो, 29 लेवल का है सार्को है, तो भाई पंच से टेम करना कोई ईजी बात नहीं थी इसको। तो भाई काफ़ी सही चीज़ है, अभी मेरे को दोनों चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, इसके लिए भी थोड़ा सा मीट वगैरह भी मेरे को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैं अपने पेट्रो और सार्को पे दोनों पे ध्यान देने वाला हूँ, और एक्रो और आई मीन जो वाइपर है और ये जो हैरी है अपना, एक्रो वाइपर और हैरी दोनों के पास जो है पेट्रोज उनके टेम हो रहे हैं। तो लेट्स सी लेट्स वेट, अभी तो कुछ और कर नहीं सकते, मेरे को सिर्फ डबल शिफ्ट करनी है, दोनों तो भाई मस्त है आराम से, मेरे को डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो चलो भाई, हैरी का जो पेट्रोडॉन है 20 लेवल का, वो तो भाई अभी टेम हो चुका है, लेकिन भाई यहाँ पे मेरा जो पेट्रोडॉन है वो भाई तो भाई क्या बोलूँ भाई यार, 10 लेवल का पेट्रोडॉन अब तक टेम हो रहा है, जहाँ पे 20 लेवल का पीजे से आगे टेम हो गया, बिकॉज हैरी के पास प्राइम मीट थे तो हैरी का तो हो गया आराम से। और भाई अभी मेरा भी हो रहा है, मैंने उससे प्राइम मीट ले लिया, वरना मैं गरीबों की तरह नॉर्मल मीट कर रहा था, बट अभी मैंने उससे मीट ले लिया तो मेरा भी हो रहा है, और वाइपर का भी हो रहा है, वाइपर को भी मीट्स मिल चुके हैं आई थिंक प्राइम मीट, तो उसका भी हो रहा है। मेरे को तो भाई डबल ड्यूटी करनी पड़ रही, मैं दोनों पे ध्यान दे रहा हूँ। तो अपना फीमेल सार्को जो है वो भी हो रहा है, भाई इसका लेवल काफ़ी सही है 29, तो लेट्स सी। सो गाइज, ऑलमोस्ट अपना जो पेट्रोडॉन है वो होने ही वाला है, थोड़ा सा और अब ये होने ही वाला है, थोड़ा सा बस हो जाए भाई। ओके, तो भाई अपना फाइनली अपना दूसरा नंबर लग गया, समझ लो अपना पेट्रोडॉन जो है दो ही इफेक्टिव ने मिला, शिट। चलो कोई नहीं, तो अपना जो पेट्रोडॉन है वो यहाँ पे हो चुका है रेडी, अब सिर्फ बचा है वाइपर का। तो वाइपर के पास अभी प्राइम मीट है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि इतना देर कैसे लग गया पता नहीं, बट वाइपर ने थोड़ा लेट ही टेम किया था। ये देखो भाई, अब ये तेरे को मैंने विसल दिया तो भाई पीछे रहना, मेरे को धक्का क्यों देते रहता है ये देखो फिर से भाई, मतलब सो इरिटेटिंग यार, क्या छोड़ भाई इसको। ओके, अपना सार को अब तक 52 बस भाई, मेरे को लगा भाई थोड़ा हो चुका होगा। एनीवे चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं, अभी जाते हैं अपने बेस पे और वहाँ पे जाके फटाफट से साइड, अबे आना पीछे अभी फटा, अबे भाई पीछे आ बोला तो उड़ाने नहीं बोला था, तेरे को मारूंगा यार, छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। सो गाइस, यहाँ पे अपने सैडल रेडी है, इसको फटाफट मैं पहना देता हूँ एक सैडल, फिर अपन जाएंगे सैडल की डिलीवरी करने, बिकॉज अपने को और दो ऑर्डर्स मिले सैडल के, तो हैरी और एक्रो दोनों को जो है मेरे को सैडल्स देने। इसका मैं स्टोरेज ही बढ़ाऊंगा, बिकॉज मेरे को अभी इस पर राइड करनी, तो भाई मेरे को वेट का कोई इशू नहीं चाहिए। ओके, तो चलो अपने सैडल तो लग चुका है भाई, मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती जब मैं कोई फ्लाइंग डायनो टेम करता, बिकॉज पता है फ्लाइंग डायनो सबसे बेस्ट है आर्क में, इससे क्या होता है कि ट्रैवल करने में थोड़ा इजी पड़ता है, तो इस वजह से भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और भाई यहाँ पे तो भाई क्या बोलते हैं, लेवल अप सम्मेलन शुरू है, यहाँ पे जो डायनोस के लेवल मिल रहे हैं, तो एडमिन आए हुए थे, इस वजह से यहाँ पे थोड़ी भीड़ थी, सब लोग यहाँ पे कि लेवल वगैरह का सीन चल रहा था। तो ये लो ब्रो, हैरी ब्रदर आपका जो डिलीवरी है आप ले लो, अबे क्लोज तो आ जा भाई, वो कोई और उठा लेगा फिर बोलेगा मेरे को। ये ले भाई, अभी डाले अपनी उठा लेना, मैं अभी जा रहा हूँ एक्रो के पास, बिकॉज और एक डिलीवरी बची, वहाँ पे भी जाके मेरे को कंप्लीट करनी। लेकिन एक्रो वाइपर है कहाँ भाई, वाइपर सर आप हो कहाँ पे, ये मेरे को दिख नहीं रहा है कहाँ गया एक्चुअली, हम यहाँ पे तो नहीं दिख रहा मेरे को, ये कहाँ टेम कर रहा है ये भाई, कहाँ चला गया यार ये। ओके दिख गया मेरे को, बेचारा अभी भी टेम ही कर रहा है। ओके, ये लो वाइपर ब्रो, इधर सर इधर देखो, हाँ ये लो भाई आपका जो सैडल है वो लो, डिलीवरी कंप्लीट हो गई भाई, 150 रुपये दे देना बाद में। चलो एनीवे, ये सब हो चुका है, ये लोग अभी सैडल वगैरह लगा के बस वाइपर का बचा है, बाकी हो चुका है, अभी मेरे को पहले बेस पे जान दो, क्योंकि इतने जल्दी तो एपिसोड ख़त्म नहीं होने वाला, अभी और चीज़ें करेंगे, सब्र करो थोड़ा सा, पहले इनको आ जाने दो। गाइज, मेरे पेट्रोडॉन को भी यहाँ पे बहुत सही लेवल मिल चुका है, देखो 57 लेवल जो मेरे को एडमिन ने दे दिया। अबे तू, तेरे को तकलीफ क्या है भाई, ओए भाई हैरी। गाइज देखो, यही एक इंसान है भाई जो मेरे को बहुत परेशान करता रहता है हमेशा भाई, कभी मेरे को पूप वगैरह भी खिला चुका है ये, आई थिंक इसके पास कोई क्लिप वगैरह होगी, देख लेना इसको, पूछ लेना, मेरे को पूप भी खिलाता है, छोड़ साले नीचे छोड़ मेरे को। वहाँ पे भाई मेरे भाई इतना एक्साइटेड हूँ, मेरा पेट्रोडॉन का लेवल आया भाई, ऐसे उठा रहा है, बट कहाँ छोड़ा है, हाँ बोट में छोड़ा, मैं बोला कहाँ आ गया भाई, बेचारा मेरा पेट्रोडॉन का लेवल आया, मेरे को उसका लेवल अप करना है भाई, इतना एक्साइटमेंट का लेवल। ए हैरी यार प्लीज़ भाई मेरे को उठा, मैं इससे दूर जाऊंगा, मेरे को इस पर बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को कभी भी उठा लेता है, मेरे को इतने एक्साइटमेंट यार, तुम लोग समझ सकते हो ना एक्साइटमेंट, भाई ऐसे आके उठा रहा है। तो इसका भी ना मैं स्टोरेज वगैरह अच्छा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इसकी स्पीड स्टोरेज सब बढ़ा देता हूँ पहले मैं। ओके, इतना काफ़ी रहेगा, मतलब
ओके देखो अपना जो लेवल अप है वो कंप्लीट हो चुका है, मेरे को एडमिन ने एक्चुअली दिया, तो भाई पहली चीज़ तो यार एडमिन बहुत ज़्यादा शुक्रिया ब्रो, वैसे एडमिन का काम है देना, बट फिर भी यार बहुत दिल से शुक्रिया। और ये देखो भाई ये क्या कांड कर रहा है पता नहीं है क्या भाई, डायनोस को मारते रहता है। यार मेरे को उम्मीद नहीं थी यार हैरी तेरे से, यार देखो भाई मैं नहीं मारता आजकल डायनोस को, मैंने छोड़ दिया भाई ये सब करनी गलत बात है यार, हैरी करता है अभी ये सिर्फ चीज़ें। गाइज यार यहाँ पे एक सीन हो चुका है मैं तुम लोगों को बताता हूँ, तो हम लोग जो है मिलकर एक गाड़ी में स्टेम कर रहे थे और वहाँ पे एक थेरी डायनासोर घूम रहा था, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं उसको मार दूंगा, बट भाई उसने मेरे को पूरा तोड़ दिया और हैरी ने जो जग्गू टेम किया था मेरे लिए भाई वो भी वेस्ट हो गया। तो अब भी मेरे को हाँ ये देखो यहाँ पे एक थेरी डायनासोर है, मेरे को पहले इसको दूर लेके जाना बिकॉज थेरी डायनासोर अटैक करे और गाली में किसी भी वक्त मर सकता है और भाई कोई भी बेस उसके पास अभी फिलहाल नहीं है, तो भाई मेरे को किसी भी अभी आना क्या कर रहा है ये। ओके आई थिंक वो अटक गया है मे भी, छोड़ छोड़ उसको, बस उसका ये एंगर हटाने दो मेरे को। तो भाई मेरे को किसी भी हालत में गाली में उसके पास पहले पहुँचने दो। ये लोग मेरे को बोल रहे कि बहुत कम उसका ये बचा, क्योंकि तुम लोगों को पता है गाली में उसका टॉर्पर लेवल क्या सीन रहता है। अभी उठ गया शायद ये, ओह हो गया भाई, तो इन लोग ने मेरे को बोला क्यों नहीं भाई। ओके चलो सही है, मेरे को अभी मेरी पेटी उठा के लाने दो, वरना तुम लोग भी बोलोगे भाई कि झूठ बोल रहा था ऐसे। भाई सच में यार मैं मर गया थेरी डायनासोर से, क्योंकि देखो मेरे पास स्वॉर्ड थी बिकॉज एडमिन ने दी थी, मेरे को लगा मैं ले लूँगा भाई मार लूँगा, बट मुझे क्या पता था भाई कि पीछे से और दो थेरी डायनासोर आएंगे। तो भाई तुम लोग को दिखाता हूँ, रुको वो देखो भाई वहाँ पे तुम लोग देख सकते हो थेरी का मेरी प्यारी सी पेटी यार। तो इसको मेरे को अभी लेना है, मेरे को पता नहीं वैसे उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, बट मेरे को चाहिए वो मेरी पेटी, और उसके लिए मेरे को इन थेरी को दूर भगाना पड़ेगा। ओके चलो मेरे एक्रो है यहाँ पे जो हेल्प कर रहा है मेरे वाइपर भाई, तो वो जो देखो थेरी डायनासोर को लेके जा रहा है। तो एक्चुअली एक आई थिंक थेरी डायनासोर हमने मार दिया था, हेलो भाई यहाँ पे एक बचा हुआ है, चलो कोई नहीं, वो आई थिंक वहाँ से आना नहीं चाहिए सिर्फ। यहाँ पे एक और पेटी, ओके ये देखो ये मेरे प्यारे जग्गू की है जो इसमें हैरी ने मेरे को यार टेम करके दिया था अभी सिर्फ, और भाई वो बहुत क्यूट है यार जग्गू, पूरा वाइट कलर का था वो, और उसका वाइट कलर यार आरजी जैसा वाइट नहीं था, मेरे आरजी जैसा सोलो वाले बहुत क्लीन वाइट था यार, मेरे को काफ़ी पसंद आया था भाई, मेरे को क्या पता था ऐसा सीन होने वाला है। अभी एक काम करते हैं, अभी जो हम लोग ने गाली में स्टेम किया भाई उसको सैडल लगा देते, वैसे यार वो है किधर यार, एंड इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना बिकॉज यार क्या बोलूँ यार, मतलब थेरी डायनासोर से पंगे लेने गया तो भाई उसने मेरी चड्डी उड़ा दी, तो भाई अभी तो मैं हैरी गैंग का बंदा हूँ बिकॉज भाई हैरी कपड़े पहनता है लेकिन चड्डी नहीं पहनता, तो भाई उसके कमेंट बॉक्स में जाओ यार एंड उसको बोलो कि भाई इतनी नीचे से हवा लेना भी कोई अच्छी बात नहीं है, जाके चड्डी पहन ले। ये देखो भाई वाइपर भाई के अलग ही नशे, पता नहीं क्या चला दिया यार, ये थोड़ा इरिटेटिंग यार, पता नहीं कौन सी पबजी की प्लेयर गन चला दी, एकदम ऐसा आंखों को परेशानी हो रही है भाई, मेरे को इससे बाहर निकलने दो। एंड हाँ अभी एपिसोड के अंदर मैंने भाई पेट्रोडॉन बोला, तो श्योरली कोई बंदा कमेंट करके बोल सकता है कि उसको पेट्रोडॉन नहीं पेट्रानोडॉन बोलते, तो उसके बाद कोई इमोजी वगैरह लगा देगा। तो देखो मैं सीरियसली एक चीज़ बताता हूँ, मेरे को पता है उसको पेट्रानोडॉन वगैरह जो भी बोलते हैं उसको, लेकिन देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं बोलते हो बहुत कभी कभी बहुत स्पीडली बोल देता हूँ, तो ऐसे में जो पेट्रोडॉन वगैरह बोलना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, जबकि मेरे को पसंद है भाई पेट्रोडॉन बोलना, तो इसी वजह से मैं जो उसको पेट्रोडॉन बोलता हूँ, और मैं बहुत सारे डायनोस को थोड़ा अलग बोल लेता हूँ। तो ठीक है यार इंसानी गलती हो जाती, कभी पढ़ने में हो जाती है तो कभी भाई पढ़ के भी हो जाती, बिकॉज भाई मैंने कभी भी डायनासोर्स के बारे में इतना नहीं पढ़ा, तो नेम वगैरह भी लेते और गलतियाँ हो जाती है, तो ठीक है यार मतलब इतना नहीं पकड़ने का उस चीज़ का, कुछ बंदे पकड़ लेते हैं। एनीवे आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही गाइज, आई होप आज का जो एपिसोड है आप सभी को पसंद आया होगा, तो अगर आपको एपिसोड पसंद आएगा तो भाई एक लाइक जरूर कर देना, एंड मेक श्योर कि अगर आप चैनल पे न्यू हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से फिर ऐसे और एक न्यू अंडरस्टिंग वीडियो में, तो चले गाइज तब तक के लिए गुड बाय।